हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम जो कर रहे हैं एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और दो मिनट। एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी को लेके तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इसका विज्ञापन बहुत जल्दी जारी हो जाएगा एलटी ग्रेड का, और दिसंबर लास्ट तक, ठीक है, आने की संभावना है एलटी ग्रेड, और जनवरी में आ जाएगा आपका टीजीटी पीजीटी, ठीक है। तो बहुत जल्दी विज्ञापन आने वाले हैं, तो सभी अच्छे से तैयारी करें। और अभी हम कर रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2004, ठीक है, 2004, ओके। और विख्यात्मक हल है इसका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और आज हम करेंगे 25 प्रश्न, जैसे 25-25 प्रश्न की तरह हम कर रहे हैं। और जितने भी मैंने जो न्यू स्टार्ट किया है अभी, जितनी भी वीडियोस क्लास हो रही हैं, तो उसमें मैंने पार्ट के हिसाब से मैं उसे करवा रहा हूं। भले ही वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग एक क्वेश्चन पेपर है उसको अलग अलग पार्ट से, जितना भी करवा रहा हूं मैं नया एलटी ग्रेड का, वो अलग अलग पार्ट से करवा रहा हूँ। ये भी 13वां 14वां ये वो पार्ट है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो वो पार्ट में करवा रहा हूं। और इससे पहले जो अभी जो टीजीटी पीजीटी आया था उसके लिए जो था उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो भी सारी वीडियोस देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए, जो पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती हैं, 1, 2, 3 या 4? सही आंसर है उसका 2 होती है, ठीक है। भारतीय संगीत की 2 पद्धतियां होती हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, दक्षिण संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को उत्तरी संगीत पद्धति तथा दक्षिणी पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं, स्वर सप्तक, स्वरांतर या तार सप्तक। इसका सही आंसर होगा पहला स्वर, ठीक है। गायन के उपयोगी नाद को स्वर कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर और विकृत स्वर के आधार पर ही राग का गायन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं, है ना, 3, 4 या 5 या 6? ये पूछ रहा है सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सही आंसर है इसका पहला 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आंसर सही होगा। यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, सही प्रश्न है सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसका उत्तर दिए गए विकल्पों में से 3 अर्थात पहला विकल्प सही है। सारे गामा पधनी इन 7 स्वरों को क्रम अनुसार बजाने को संगीत में सप्तक कहा जाता है। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, ठीक है। मंद्र सप्तक के स्वर मोटे और भारी होते हैं और मंद्र में गाए जाते हैं। मंद्र सप्तक से दुगना ऊंचा मध्य सप्तक होता है, और मध्य सप्तक से दुगना ऊंचा तार सप्तक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं, तीव्र स्वर, कोमल स्वर, मंद्र स्वर या विकृत स्वर। जितने भी मैंने पाठ करवा दिए हैं उन सबको धड़ाधड़ करते जाइए, और प्लेलिस्ट जो है, ठीक है,
प्लेलिस्ट जो है वहां पे जरूर जाइए और वहां के वीडियो जरूर देखिए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टीजीटी पीजीटी को लेके। सही आंसर है इसका चौथा, विकृत स्वर। ठीक है, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को विकृत स्वर कहते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, कोमल विकृत तथा तीव्र विकृत। कोमल स्वर को शुद्ध स्वर से नीचे के स्वर तथा तीव्र स्वर को शुद्ध स्वर से ऊपर के स्वर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को कहते हैं आरोह, अवरोह, पकड़ या जाति। सही आंसर होगा इसका, पहला आंसर इसका सही है, स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को आरोह कहते हैं, स्वरों द्वारा नीचे जाने की क्रिया को अवरोह कहते हैं, पकड़ द्वारा राग की पहचान होती है कि अमुक स्वर किस राग का है, जाति से यह पता लगता है कि राग में कितने स्वरों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए, 4, 5, 6 या 7। इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, 5 स्वर होने चाहिए, राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। राग में कम से कम 5 स्वर का होना अनिवार्य है, इसे इसको औड़व स्वर कहते हैं। राग में अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए, किसी भी राग में 4 स्वर का प्रयोग नहीं होता है, 5 स्वर को औड़व, 6 स्वर को साड़व और 7 स्वर को संपूर्ण स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठाट कितने होते हैं, 7, 8, 9 या 10। सही आंसर है इसका चौथा, 10 होते हैं। ठीक है, ठाट कितने होते हैं तो 10 होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में वैसे तो 32 ठाट हैं, किंतु प्रचार में केवल 10 ठाट ही माने गए हैं। इन 10 ठाट की स्थापना भात खंडे जी ने किया है। उत्तर भारतीय संगीत में 10 ठाटों का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिन ठाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, जन्य राग, आश्रय राग, विवादी राग या अनुवादी राग। इसका सही आंसर होगा दूसरा, आश्रय राग। जिन ठाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय राग कहते हैं। ठाट को जनक तथा राग को जन्य कहा जाता है। आश्रय राग के नाम पर ही ठाट का नामकरण होता है। ठाट से उत्पन्न होने वाले रोगों में आश्रय रागों में आश्रय राग की विशेषता होती है। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन को इनको ढंग से देना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या है, जिन ठाटों से राग की उत्पत्ति होती है, अब ठाट से राग की उत्पत्ति तो होती है, तो वो तो जन्य राग भी हो सकते हैं। एक तरफ से इनका नजरिया ये है कि जिन ठाटों से राग की उत्पत्ति होती है, मतलब कि जो ठाट जैसे भैरव है, ये ठाट भी है और राग भी है, तो इनका एक ये वाला नजरिया कि जिन ठाटों से राग की उत्पत्ति हो रही है, मतलब कि जो जो ठाट भी और राग भी है, उनका ये कहना है इस क्वेश्चन में, जो ठाट भी है और राग भी है उस हिसाब से तो फिर ये आश्रय राग होगा। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम ढंग से पढ़े, जिन ठाटों से राग की उत्पत्ति, तो ठाट से राग की उत्पत्ति तो होती है, इन ठाटों से राग की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो ये जन्य होना चाहिए। लेकिन इनका मतलब है कि जो ठाट है भी है राग भी है, तो इसका इसलिए आश्रय राग इसका माना गया है।
यूपी बोर्ड ने इसका यही माना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं, 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर होगा दूसरा, 3 होती हैं। ठीक है, नाद की 3 विशेषताएं होती हैं, नाद का छोटा बड़ापन, नाद का ऊंचा नीचापन, नाद की जाति और गुण। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वरों के चलन को क्या कहते हैं, स्थाई, अंतरा, अलंकार या पकड़? इसका सही आंसर है तीसरा, अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या है, स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं, कुछ नियमित वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं, अलंकार को पलटा भी कहते हैं, अलंकारों से राग विस्तार में भी सहायता मिलती है, अलंकार वर्ण समुदायों में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्रुपद के कितने भाग होते हैं, 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर होगा चौथा, 4 होते हैं। ठीक है, ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्रुपद गीत में प्राय गाया जाता है कि कैसे, किसमें गाया जाता है, श्रृंगार रस के गीत है ये, भक्ति गीत, होली गीत, फिल्मी गीत? इसका सही आंसर होगा दूसरा। ठीक है, भक्ति गीत, ध्रुपद गीत में प्राय भक्ति गीत गाया जाता है। ध्रुपद गीत की रचना ग्वालियर के राजा मानसिंह ने किया है, यह एक गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। ध्रुपद गीत के कैसी है, यह गंभीर प्रकृति की, यह भी याद रखना, गायन शैली है। ध्रुपद गीत के शब्द ब्रज भाषा के होते हैं, कौन सी भाषा के होते हैं, तो ब्रज भाषा के होते हैं। ध्रुपद गीत में तानों का प्रयोग नहीं होता है। ध्रुपद गीत 4 ताल, सूल ताल आदि में गाया जाता है, तथा पखावज पर इसकी संगत की जाती है। ठीक है, और श्रृंगार रस के कौन होते हैं, तो ठुमरी होती है। होली गीत किसमें गाया जाता है, तो धमार में गाया जाता है। और फिल्मी गीत किसमें गाया जाता है, तो ये सुगम संगीत में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है, 1 ताल, 4 ताल, 3 ताल या धमार ताल? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, धमार ताल। ठीक है, धमार गीत में धमार ताल बजाया जाता है। धमार गायन एक गंभीर और जोरदार गायन शैली है, कुछ लोग इसे होरी भी कहते हैं। धमार गीत में अधिकतर ब्रज की होली का वर्णन मिलता है। धमार गीत में विभिन्न लयकारियां दिखाई जाती हैं, तथा गमक का भी प्रयोग किया जाता है। धमार एक ताल का भी नाम है और इस गायकी में धमार ताल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें धमार ताल का ही प्रयोग किया जाता है। ये गंभीर और जोरदार गायन शैली है, कुछ लोग इसे होरी भी कहते हैं, और ये अधिकतर ब्रज भाषा में ये होती है। इसमें लयकारी बहुत दिखाई जाती है और गमक का भी इसमें प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं, लय, ताल, टप्पा या ठुमरी, है ना? ये ठप्पा नहीं होगा, ये टप्पा है, ठीक है? इसका सही आंसर होगा तीसरा, टप्पा, ठीक है? टप्पा गायन शैली में छोटे छोटे तानों की लड़ी फिरोई जाती है। टप्पा गीत मोहम्मद रजा, मोहम्मद शाह के समय में गुलाम नवीस ने इसको, इसके जन्मदाता माने जाते हैं। और टप्पा गीत को काफी, पीलू, खमाज और देश में भी गाया जाता है, ठीक है? और टप्पा गीत में टप्पा ताल ही बजाया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 है, सात स्वर वाले राग को क्या कहते हैं, औड़व, संपूर्ण, साड़व या औड़व औड़व। इसका सही आंसर होगा दूसरा, संपूर्ण। सात स्वर जिसमें लगते हैं उसे संपूर्ण कहते हैं, ठीक है? सात स्वर वाले राग को संपूर्ण स्वर कहते हैं। जिस राग के आरोह तथा अवरोह गानों में सात सात स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। पांच स्वर वाले राग को औड़व, छह स्वर वाले राग को साड़व, स्वर वाले राग को कहा जाता है। मतलब कि पांच स्वर जिसमें लगेंगे औड़व, छह स्वर जिसमें लगेंगे साड़व और सात स्वर इसमें लगे उसे संपूर्ण कहा जाएगा। और औड़ा औड़ा मतलब कि पांच आरोह में लगेंगे और पांच अवरोह में लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के राग को कहते हैं, पूर्व राग, पश्चिम राग, उत्तर राग या दक्षिण राग। सही आंसर है उसका तीसरा, उत्तर राग कहेंगे, ठीक है? उत्तरांग राग इसे कहा जाता है। रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के राग को उत्तरांग राग कहते हैं। दिन के 12 बजे से लेकर 12 बजे रात तक के राग को पूर्वांग राग कहते हैं, ठीक है? तो ये जो शुरू होता है दिन से शुरू होता है कि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पूर्वांग कहलाएगा और रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक उत्तरांग राग कहलाएगा। इसे पूर्वांग उत्तरांग भी कहते हैं, याद रखना। ये थोड़ा ये पूछा जाता है, ठीक है? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना है काफी, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, ख्याल कितने प्रकार के होते हैं, एक, दो, तीन या चार? देखिए इसका सही आंसर होगा दूसरा, दो प्रकार के होते हैं ख्याल। ख्याल दो प्रकार के होते हैं, विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल। विलंबित ख्याल को धीमी लय में तथा द्रुत ख्याल को तेज लय में गाया जाता है। विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल तथा द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे कहते हैं, द्रुत लय, मध्य लय, विलंबित लय या सुरा लय। सही आंसर है इसका तीसरा, विलंबित, ठीक, विलंबित लय। जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे विलंबित ख्याल कहते हैं। विलंबित ख्याल एक ताल, आड़ा चौताल, तिलवाड़ा आदि तालों में गाया जाता है। फिर से देख लो, एक ताल में सबसे ज्यादा, फिर आड़ा चौताल में और तिलवाड़ा,
अष्टमी में गाया जाता है। आड़ा चौताल में द्रुत भी होता है लेकिन विलंबित भी होता है इसमें, ठीक है। तिलवाड़ा में बड़ा ख्याल होता है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 19 है, और इसको तबला ख्याल की संगत तबला नामक वाद के साथ किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को कहते हैं सुरावरता, चल स्वर, अचल स्वर, वादी स्वर। आप में से कोई इसका मतलब जानते हैं तो मुझे बताना कमेंट करके। इसका सही आंसर होगा पहला ही होगा इसका, मुझे नहीं आता है ये। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को सुरावरत कहते हैं। चल स्वर, अचल स्वर और वादी स्वर कोई भी तालबद्ध रचना नहीं है, ठीक है। देखो ये राग में जो प्रयोग किए जाने वाले स्वर, जो राग में स्वर प्रयोग किए जाते हैं और तालबद्ध रचना होते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अचल स्वर किसे कहते हैं, रेप, साप, नीप या धप। इसका सही आंसर होगा दूसरा साप। साप अचल स्वर कहलाते हैं क्योंकि यह कभी विकृत अवस्था में नहीं होते हैं। रेनी ध स्वर चल स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है उसे कहते हैं तीव्र स्वर, कोमल स्वर, मंद्र स्वर, सप्तक स्वर। सही आंसर होगा इसका दूसरा कोमल स्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को कहते हैं शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, कोमल स्वर, तीव्र विकृत स्वर। सही आंसर है इसका पहला, ठीक है, शुद्ध स्वर। बारह स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। शुद्ध स्वर संख्या में 7 माने गए हैं, सारे गामा पधा नी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे कहते हैं अलंकार, आरोह, अवरोह, पकड़। सही आंसर है इसका चौथा पकड़, ठीक है। वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे पकड़ कहते हैं। पकड़ शब्द का अर्थ है पकड़ना या पहचानना। पकड़ के द्वारा राग आसानी से पहचानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राग यमन का मध्यम क्या है,
शुद्ध म, तीव्र म, कोमल विकृत, तीव्र विकृत। सही आंसर है इसका दूसरा, तीव्र मध्यम। ठीक है, राग यमन का मध्यम स्वर तीव्र मध्यम है। राग यमन कल्याण ठाट का राग है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है। राग यमन का वादी स्वर ग है तथा संवादी स्वर नी है माना जाता है। राग यमन को रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उप्पा किसने प्रचलित किया था? मतलब ये उप्पा नहीं है, ये है क्या है, टप्पा है ये। ठीक है, टप्पा किसने प्रचलित किया था? तो इचल करजीकर, तानसेन, सॉरी मियां, अमीर खुसरो। सही आंसर है इसका सॉरी मियां। ठीक है, गुलाम नबी सॉरी ने टप्पे को जन्म दिया। टप्पा गीत के शब्द पंजाबी और फारसी के होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं, पंजाबी और फारसी के भी होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। टप्पा गीत काफी पीलू, खमाज और देश आदि रागों में गाया जाता है। टप्पा गीत टप्पा ताल में ही गाई जाती है। ठीक है, राग याद रख लिए, काफी में, पीलू में और खमाज और देश। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी नई मैं वीडियोस डालता हूं वो सभी आपको टाइम पे मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप टाइम पे ही वीडियो को देख पाए। सारे पार्ट्स मैंने बना रखे हैं वीडियो के, पार्ट वाइज आप सारी वीडियोस को देखें, ताकि सभी कुछ एक साथ आपका कवर होते चले जाए। बाकी आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, यहां से जुड़ जाइए। यहां पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जितनी भी नोटिफिकेशन आती है सब यहां पे मैं अपडेट कर दिया करता हूं, और काफी लोग जुड़े हुए हैं, 500 के करीब यहां पे लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप कमेंट में मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके YouTube पे ही पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं, और बाकी सभी को आपको ये करना है कि आप सभी शेयर जरूर करें चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।